तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मींस एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे।
जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में। इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मींस एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिसी क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह। जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके।
तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में। इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मीसी क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं
मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह। जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं।
बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है।
अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है
कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह। जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है
हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में। इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था, एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज़ की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी, एंड ये उसी का ही ऑफिशियल बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है
कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक
ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने % तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज़ की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिसे क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी, एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मींस एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी
साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिसी क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह। जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक
ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने % तक लाइक किया गया। तो इसे IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रावणासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज़ की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मीसी क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है।
तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवणासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है
कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं,
मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह। जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया है जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं।
बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है।
अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है
कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेजिना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी की स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ, उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो
एक्शन मूवीज बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है, एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने % तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रावणासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, थस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं।
बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है, तो भाई साहब आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिश्री क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मीन्स एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मरतबा देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने % तक लाइक किया गया। तो इसे IMDb रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है।
अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रवनासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है अभी फाइनली, तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा, तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिसे क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे इंजॉय कीजिए। वेल, तो अगर आप लोग भी एक्शन के साथ साथ यहाँ पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं, मींस एक्शन भी हो उसमें कॉमेडी भी हो, जस्ट लाइक मास महाराजा रवि तेजा की तरह, जी हाँ उनकी अक्सरियत में फ़ैन फॉलोइंग इसी वजह से है क्योंकि वो एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं के स्टाइल में कुछ एक ऐसा तड़का दिया जाता है हिंदी डबिंग में, क्योंकि तेलुगु वर्जन में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी वर्जन में ऐसा होता है कि कॉमेडी पंचेस बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट और ऊपर चली जाती है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी साकिनी दाकिनी के बारे में, जो कि एक कॉमेडी एक्शन मूवी बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़े से यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल में, एंड लिटरली ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये मूवी किस तरह की बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके।
तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साकिनी दाकिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कास्टिंग से, क्योंकि कास्टिंग अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी के हिट या फिर एक ब्लॉकबस्टर बनने के चांसेस ही पैदा नहीं होते। तो कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रजीना कैसेंड्रा देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निवेथा थॉमस आप लोगों को इसकी लीड एक्ट्रेस में देखने को मिलेंगी। इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेन रोल में आप लोगों को यही दो देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम बात करें कि बेसिकली ये मूवी किस तरह की बनाई गई है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेडी देखने को मिलेगी, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज की हुई कॉमेडी है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। तो तकरीबन 2 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2 घंटे से भी नीचे की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है। एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली एक मर्तबा देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एक चांस लाजमी दीजिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की IMDB रेटिंग क्या है एंड इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इसे IMDB रेटिंग जो है वो है जी 6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 89% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर अवेलेबल है। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर सुधीर वर्मा ने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मूवी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर डायरेक्शन ही अच्छी ना हो तो मूवी बहुत ही बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी सुधीर वर्मा ने, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम उनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें तो उनमें आप लोगों को रावणासुरा देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर राणा रंगम देखने को मिल जाएगी, तस्करण देखने को मिलेगी, केशवा देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा डेफिनेटली देखनी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में एंड कहां पर अवेलेबल है अभी फाइनली। तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। जी हाँ, इस मूवी को रिलीज़ किया गया जी 16th of September 2022 में, इसे 2022 के सितंबर के महीने में और 16 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया था। एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी नेटफ्लिक्स पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर प्योर हिंदी में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग वहाँ पर जाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहाँ पर जाकर लाजमी से इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये एक मूवी है जिसमें आप लोगों को कुछ एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आप लोगों को एक्शन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, आप इसे लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं, सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला, स्टोरी लाइन को किसने लिखा। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्रीन प्ले की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला गया है। तो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को यहाँ पर अक्षय पूला ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली रीमेक बनाया गया है एक कोरियन मूवी मिडनाइट रनर्स का, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई थी एंड ये उसी का ही ऑफिशियल रीमेक बनाया गया है। तो वो मूवी 2017 में रिलीज की गई थी एंड ये 2022 में। उसी के साथ साथ हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो डी सुरेश बाबू और सुनीता आप लोगों को इस मूवी की प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे। सिनेमाटोग्राफी में रिचर्ड प्रसाद देखने को मिलेंगे। एडिटिंग की बात करें तो विप्लव आप लोगों को इस मूवी के एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया। म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर माइकी मिसी क्लेरी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को सुरेश प्रोडक्शंस और गुरु फिल्म्स, उसी के साथ साथ क्रॉस पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इसे एंजॉय कीजिए।